मोम और बत्ती का ये प्यार भी कितना हसीन होता है, जलती बत्ती है और मोम रोता है। कुछ ऐसा ही है यहाँ पर अभिमन्यु और अक्षरा का रिश्ता। ये तो है मेड फॉर ईच अदर। अब हाँ, थोड़ी बहुत अनबन तो हर रिश्ते में होती है अभिमन्यु और अक्षरा, दिस टू शेल पास। तो क्या है यहाँ पर कहानी का अपडेट, चलिए ले चलते हैं आपको अभिमन्यु और अक्षरा के पास। मिस्टर हर्षवर्धन बिरला, यानी कि तेरे डियर रिस्पेक्टेड ससुर जी, उनका एक इललेजिटिमेट बच्चा है, यानी कि एक नाजायज औलाद। आरोही, अक्षरा और खुलासा, उनका एक इललेजिटिमेट बच्चा है, इललेजिटिमेट बच्चा है। अक्षरा का हुआ सच से सामना, उठा राज से पर्दा। किसका? अभिमन्यु। स्टार प्लस के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आज कहानी में आ गया है महा ट्विस्ट, जहां अक्षरा के सामने आरोही ने एक बहुत बड़ा राज खोल दिया है। खुल गया है वो राज जो मंजरी ने छुपाए रखा था। भाई बिरला परिवार की डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आ गई है और उसमें ये पता चला है कि अभिमन्यु नाजायज औलाद है, और ये बात किसी और ने नहीं बल्कि आरोही ने ही अक्षरा को बता दी है। अक्षु। हाँ बोल आरोही। अक्षु, मैं सोच रही थी कि बहुत दिन हो गए ना हमने कोई सीक्रेट शेयर नहीं किया। सीक्रेट? हाँ, तेरे पास कुछ है तो बता। है तो, पर तुझे सुन के अच्छा लगेगा या नहीं ये नहीं पता। तू बता तो सही। मिस्टर हर्षवर्धन बिरला, यानी कि तेरे डियर रिस्पेक्टेड ससुर जी का इललेजिटिमेट बच्चा है। हाँ, यानी कि नाजायज औलाद जो हमेशा से ही बिरला हाउस में ही रहता आया है। शट अप आरू, तुझे शर्म नहीं आती किसी के बारे में ऐसी बात करते हुए? अरे, और वो भी जो तुझसे इतना बड़ा हो। जब उन्हें करते हुए शर्म नहीं आई तो मैं बोलते हुए शर्म आनी चाहिए? कुछ भी मत बोला। ठीक है, मैं अब कुछ नहीं बोलती, पर ये जो रिपोर्ट्स बोल रही हैं उनका क्या? अक्षु, मैं एक डॉक्टर हूँ, मेडिकल फाइंडिंग्स के बेसिस पर ही कुछ बोलूंगी, वरना नहीं। कितना फिल्मी सीन है ना बॉस, 98% मैच विद हर्षवर्धन बिरला और मंजरी आंटी के साथ बिल्कुल भी नहीं। किसका? अभिमन्यु। भाई ये बात सुनकर अक्षरा के तो होश ही उड़ गए हैं, और अब ये बात उसने मंजरी को जाकर बताई है, जिसके बाद मंजरी के पैर तले जमीन खिसक गई है। अरे अक्षु संभल के बेटा, तू क्या हुआ, तू ठीक तो है ना? नहीं माँ, मैं ठीक नहीं हूँ। क्या हुआ अक्षु? क्या हुआ अक्षु, तुझे किसी ने कुछ कहा क्या? जब सच का पता ना हो ना तो सांस अटकी रहती है, और जब पता चल जाए तो वो छूट जाती है माँ। तो क्या बोल रही है, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, साफ साफ बोल। मुझे वो राज का पता चल गया जो आप छुपा रही थी। कौन सा राज? डीएनए टेस्ट वाला। अक्षु, अक्षु अभी को या किसी को भी ये बात मत बताना, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ बेटा, प्लीज प्लीज किसी को मत बता। नमस्ते, कांग्रेचुलेशंस मंजरी जी, नमस्ते। नमस्ते। तो भाई अब ये राज तीन लोगों को पता है, यानी कि मंजरी, अक्षरा और आरोही को। तो भाई देखना होगा कि क्या आरोही इसे अपना हथियार बनाकर अक्षरा के खिलाफ चलती है कोई चाल, और अगर अभिमन्यु के सामने ये सच आ गया तो क्या होगा। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।